जब भी मौका मिलता है मैं मीडिया जगत का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, लेकिन उसमें मुसीबत ये हुई कि मेरी अपेक्षाएं बढ़ती गई। पहले तो अगर आप ये न करते तो मैं कहता ही नहीं यार इनको क्या कहें, लेकिन अब आप करते हैं तो कहने का मन करता है। दो चीजें मुझे लगती हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गेरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को, और ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है, अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे, मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था गरबे, बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जैसी सोसाइटी जो विविधताओं से भरी है, जब पहले मूवी आते थे एकाध कहावत उस मूवी में आ जाए, आती थी चली जाती थी, आज एकांत कहावत आ जाए तो पूरी मूवी चलना बंद हो जाए, मुश्किल हो जाता है कि तुमने उस समाज का अपमान किया, वोस किया, ढिकना किया, भाव वो उसने अरबों खरबों करोड़ों रुपया कुछ भी खर्च किया, वो कोई पूछने वाला नहीं है, तुम जवाब दो तुमने क्या किया, ये हाल है। ऐसे में आप इस शास्त्र को तो समझाने से तो कोई लाभ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं उदाहरणों के साथ तो कोई भी, वैसे मुझे जब इस विषय को आगे बढ़ाने व्यक्ति चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स अ कैंसरस, पीना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए इट्स अ डीप फेक, फिर उसको देखें, आनंद करें, जो करना है करें, लेकिन उस पर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब मुझे भी बड़ी चिंता है कि ये मैंने कर तो दिया लेकिन कैसे रुकेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी मेरी एक अपेक्षा है जिसको मैं समझता हूं कि आप जरूर मदद कर सकते हैं, किसी भी समाज में, व्यक्ति में, राष्ट्र जीवन में कुछ पल आते हैं, कुछ कालखंड आता है जो हमें बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाने के लिए एक जंप दे देता है,
आज मैं जो वैश्विक परिस्थितियां देख रहा हूं, जिस जगह पे मैं हूं, तो मुझे कुछ ज्यादा गहराई में देखने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूं शायद ऐसा काल हम लोगों के सामने हम देख पा रहे हैं। हमारा ये कालखंड उस भव्यता की तरफ जाने वाला कालखंड से जुड़ा हुआ है। विकसित भारत की बात ये शब्द नहीं है दोस्तों, ये जमीनी सच्चाई है, पूरी संभावना है। अब जैसे इस बार वोकल फॉर लोकल, आप सबने भी मेरी मदद की है, ठीक है। अभी तो लोगों का दिमाग दिए तक रहता है, उनको लगता है वोकल फॉर लोकल मतलब दिया खरीदना, उसको ये मालूम नहीं कि मैं गणेश चतुर्थी में छोटी आंख वाले गणेश जी क्यों लेता हूं और कहां से लेता हूं। हमारे देश के गणेश जी तो छोटी आंख के हो ही नहीं सकते, लेकिन लेता है, पता नहीं उसको। अगर हम वोकल फॉर लोकल इस विषय को जितना बल दिया, और मैं इस छठ पूजा के साथ जोड़ करके हिसाब लगाऊं, तो इस एक वीक में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें हर छोटे मोटे व्यक्ति की जिंदगी में कमाई होती है। और मैं इसी ताकत के आधार पर कहता हूं कि हम विकसित भारत की विषय को बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक विश्वास पैदा करना होता है। सकारात्मक चीजों से लोगों को किसी की वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, असत्य को दबाने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं करूंगा, लेकिन जो चीजों में सामर्थ्य है, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी चीजों को हम बल दे सकते हैं। और ये भी सही है कि विकास, आर्थिक बाबतें, ये अब केंद्र में रहने वाली हैं आने वाले 25 साल तक, क्योंकि विश्व भी हमारा मूल्यांकन उस बात पर कर रहा है। और इन दिनों जहां हम हैं और जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। मैं अभी आपके बीच आया हूं, लेकिन मैं चुनाव के मैदान से नहीं आया, मैं ग्लोबल साउथ समिट में से आया हूं। 130 देशों का ग्लोबल साउथ समिट में होना, ये अपने आप में, मैं मानता हूं जो आपके यहां जो विदेश मंत्रालय की चीजें देखते होंगे, इनके लगता होगा कि ये बहुत बड़ी बात है। यानी कुछ तो है जिसके कारण ये हो रहा है। हम 2047